हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीसीटी क्यूबिक बारे में। तो क्यूबिक का हम एक्जियल व्यू देखेंगे, थिक स्लाइस एंड थिन स्लाइस। तो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे रिक्वेस्ट है, और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के देखने बाद से कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो कैसी लगी। और कोई कमी, कोई अगर जो कुछ छूट जाता है टॉपिक, तो उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एक्सेल का है थिक स्लाइस। देखिए ये थिक स्लाइस है, साइड में जो राइट साइड पे है ये थिन स्लाइस है। आप देख सकते हैं ये कितना शार्पनेस है, ये कितना थिन है, ये ठीक है। तो हम पहले इसको डबल क्लिक करके जूम कर लेते हैं। इसको देखिए एनसीसीटी क्यूबी है, तो इसको स्टोन का प्रॉब्लम है, इसलिए देखिए बहुत ही स्मॉल सा स्टोन आ रहा है। ये रिकॉन वाले थिन स्लाइस में बहुत अच्छा दिखेगा। उसके बाद से हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस भी है, एक लेफ्ट साइड में भी है स्टोन, आप देख सकते हैं। ये टोटल आपको दिखेगा रिकॉन वाले इमेज में। कभी भी पेशेंट में इसमें ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत नहीं होता है, आप पानी पिला दीजिए, ब्लडर फुल होना चाहिए और यूरिन का प्रेशर हो, तभी आप सीटी कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा यूरिन लगा है, ब्लॉटर इसका देख सकते हैं, यूरेटर भी क्लियर है। बस दोस्तों यही स्टोन है, और हम थिन स्लाइस में देखेंगे। इसका यूरिन बैग भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, इसका थिन स्लाइस हम देखेंगे। ये देखिए 1.5 mm का रिकॉन इमेज है। इस स्टोन का बात कर रहे थे, बहुत छोटा सा है, मेजर कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस 1.9 mm का है। ये देखिए ये भी स्टोन ही है, इसको हम मेजर कर लेते हैं, 9.6 mm का है ये। और इसका नाइन पॉइंट सिक्स इंटू 3 mm का है। थिन स्लाइस में बस ये देखते हैं। क्यूबी नॉर्मली आप देख सकते हैं स्टोन वगैरह फॉलो, मतलब फॉलो करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे तक हम कवर किए हैं, क्योंकि पेनिस भी देखना होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूरेथ्रा या फिर ब्लड का जो व्यूज इंजेक्शन होता है वहां पे भी स्टोन होता है। तो यूरेथ्रा एकदम क्लियर है, यूरेथ्रा में कोई स्टोन नहीं है। ये स्टोन आ रहा है, आप देख सकते हैं ये स्टोन है, इसी वजह से इसको यूरिन यूरिन करने में प्रॉब्लम है, तो कैटेटर पड़ा हुआ है। आप दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं, और देख लीजिए इसको, इसको ब्लैक में करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको बाद में हम सेटिंग कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये है स्टोन, इसके यूरिन में प्रॉब्लम था इसलिए कैथेटर लगा हुआ है। इस वीडियो में ये देख सकते हैं। अब बात हम करेंगे इसका, हम फिल्मिंग का।
फिल्म टोटल थ्री जाता है, 4 या 5 mm का थिकनेस थिकनेस दे दीजिए। उसके बाद से आप दे दीजिए इसको 70 इमेज, मतलब कि 35 के लेआउट पे या 30 के लेआउट पे 2 इमेज दे दीजिए, एक जेल का एक दे दीजिए कोर का। साइज का अगर जो रिक्वायरमेंट है साइज अगर देख लीजिए साइज, और डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है तो साइज दे सकते हैं, वरना आपका कॉर्नर से भी काम चल जाएगा। 30 या 36 के लेआउट पे आप कॉर्नर को एंड साइज दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका हम फिल्मिंग सिटी। ये तो लैपटॉप पे मैं इमेज आप लोग के लिए हेल्प के लिए रिव्यू के लिए मैं बना रहा हूँ, और जो चाहिए तो मैं कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सिस्टम से मैं क्यूबी का फिल्म बनाकर मैं दिखा दूंगा फिल्मिंग प्रोसेस कैसे बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक हम इस वीडियो से हम अलविदा करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओके, बाय बाय।